देखा बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि अगर आशीष यादव शादीशुदा है, अगर वो नहीं रखेंगे तो हम रेडी हैं, हम करेंगे मतलब अगर शादी में आशीष यादव नहीं मिले तो उनका भाई से आप शादी कर सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ कि पाहन के पतोया से कई तो गैलो सोया के और जब वायरल होने के बाद आप कभी मार्केट जाते होंगे तो अगल बगल वाले जब आपको देखते होंगे, पहचानते हैं तो क्या बोलते हैं? गौरी गौरी जाए गे गौरी गौरी जाए तोरे कमरी अपन जरी छौरी नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं शिल्पी जी के साथ जो कि वायरल गर्ल मानी जा रही है अभी, इसलिए कि इनका वीडियो इतना देखा जा रहा है, लगभग एक एक वीडियो 10-10 मिलियन क्रॉस हो जा रहा है और इनका इंटरव्यू एक दिन में लगभग 10-10 चैनल वाले इंटरव्यू लेके जा रहे हैं। क्या कुछ कारण है और कैसे वायरल हुई उसके बारे में जानते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ नमस्ते। कैसे आप अचानक वायरल हो गए? आपको पता है कि आपका कितना ज्यादा वीडियो देखा जा रहा है? हाँ देखते हैं, उठा के जो डालता है उसका 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन चल जाता है। क्या कारनामा कर दिए हैं कि आप वायरल तो हो ही गए हैं प्लस इतना ज्यादा चर्चे में रहते हैं, कि क्या बताइएगा थोड़ा? और चर्चा का क्या बात है, आपको पता ही होगा, आप तो वैसे बात नहीं कि फोन नहीं चलाते हैं, देखते होंगे। आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि अगर हम आशीष यादव से शादी करना चाहते हैं, ये टॉपिक पर क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मतलब पहले ही बता देते हैं कि उन आशीष यादव जी का गाना सुने और इतना अच्छा गाना लगे और गाना से ही बहुत ज्यादा मतलब प्यार हो गया, ठीक है। और दूसरा बात ये रह गया कि व्यवहार का बहुत अच्छा इंसान है, उनका लुक भी अच्छा है और मैटिंग वगैरह हर चीज पसंद आ गया, इसीलिए प्यार मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसे होता है फैन में भी प्यार होता है, इसे प्यार करते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे उनका कौन सा गाना आप सुने कि आप उनके दीवाने हो गए हैं, उनके मतलब होता है ना, मतलब सब बहुत सारे सिंगर हैं छोड़ के उनके पीछे पड़ गए। बहुत सारे सिंगर है ऐसा बात नहीं है, बोले तो बहुत अच्छा गाता है गाना, ऐसे सैड सॉन्ग उसका बहुत है, बहुत सारा गाना है। ऐसे एक है डॉक्टर साहब वाला गाना है, वो तो गाए कितना इंटरव्यू में गाए हैं, सुने थे कमरिया पे नजरिया, उस दिन से हम बहुत ज्यादा उनका गाना सुनने लगे और ऐसे जितना सैड सॉन्ग सब आता है बहुत अच्छा है, दिन रात सुनते हैं। मतलब पहला गाना उनका आप सुने कमरिया पर नजरिया गड़ी गड़ी जाए, थोड़ा सा दो लाइन उस गाने को गाइएगा। गौरी गौरी जाए गे गौरी गौरी जाए गौरी गौरी जाए तोरे कमरिया पर नजरिया छौरी गौरी गौरी जाए। ये गाना सुने उसके बाद बहुत सारा गाना आया है और सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि आप आशीष यादव से को दिल दे बैठे हैं, लेकिन अभी आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि सुसाइड कर लेंगे अगर, और क्या कुछ निर्णय आया उनके तरफ से, क्या रिप्लाई मिला है उनके तरफ से? क्या रिप्लाई कि पाहन के पतोया से कई तो गैलो सोइया के और रहते मिलेगा। हम अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमको कोई नहीं बोला है, नहीं कोई धमकाया, कुछ नहीं। ऐसे अगला इंटरव्यू में देखे थे कुछ ऐसा बोल रहा था कि हम इनके बारे में नहीं कुछ बोल सकते, इतना देखे थे, हम भी देखे थे। हो ना हो, आप जब वायरल जो हुए हैं सिंगर आशीष यादव के, जो है सो उनका नाम ही बोल लीजिए, नाम लेकर के आप वायरल हुए हैं, क्या लगता है कि आप कहीं वायरल होने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है या रियलिटी क्या है, बताइएगा उसका? रियलिटी यही है कि हम बहुत ज्यादा मतलब पसंद करते हैं और उनका गायकी पसंद करते हैं, यही रियल है और कुछ नहीं। अच्छा, उनका गायकी पसंद करते हैं, उनके गानों से आपको प्यार है, तो फिर उनसे कैसे प्यार हो गया जबकि वो शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, पापा भी बन गए कुछ दिन पहले? हाँ हम सब जानते हैं, फिर भी कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा कि कुछ हम गलत निर्णय ले रहे हैं, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, उनके घर वाले क्या बोलेंगे, उनके फैंस क्या बोलेंगे? ऐसा मतलब कुछ नहीं है, वो भी समझ गया होगा कि मतलब है मेरा फैन भी इतना हो सकता है, तो बोली होगी प्यार करते हैं। आशीष यादव जी समझ गया, तब ना समझदार है, तब ना बोला कि ऐसे बात की। शिल्पी यादव जी हमारे साथ हैं जो कि आशीष यादव के बहुत बड़ी दीवानी होकर वायरल भी हो गए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आशीष यादव का जो है सो आए दिन क्रेज बढ़ते जा रहा है, तो अभी क्या है, अभी उनका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दिन ब दिन और बढ़ते जाएगा, और अभी कौन सा हाल फिलहाल कौन सा गाना उनका सुने हैं? गाना ये सुने हैं कि पान के पतैया वाला गाना सुने, बहुत अच्छा है ये। उनका जो गाना और भी आपको जो याद हो वो थोड़ा दो लाइन ऐसे था ना,
उतर तहुगे जान किया गे जान नदिया के तीरे तीरे घूमई तो भूया धीरे धीरे कफनवा पहर तहुगे जान। कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को वायरल होने के बाद? हम कैसा महसूस कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कैसे महसूस करेंगे? क्या परेशानी होता है वायरल होने के बाद? परेशानी कुछ नहीं, बस कॉल ज्यादा आता है कि आप वायरल हो गए हैं और ज्यादा मीडिया वाला कॉल आ रहा है मेरे फोन। कैसे झेल रही है शिल्पी यादव वायरल होने के बाद बहुत ज्यादा कॉल, ये मगर मैसेजेस आप बोल रहे हैं, कैसे झेलते हैं? ऐसे फालतू का कॉल आता है तो हम रिसीव नहीं करते हैं, जो काम का कुछ बोलता है उनका कॉल रिसीव करते हैं। एक्चुअली प्रॉपर आप क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं? हम शुरू से ही सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग में लाइन में तीन साल की दो साल से हैं। एक गाना आपका आया था हिपिए से हो गलो प्यार होना हो, कहीं सिंगर आशीष यादव पे प्रेरित होके तो नहीं गा दिए? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, होता है कि सैड आता है तो रोमांटिक भी आना चाहिए, रंगदारी भी आना चाहिए। उस गाने को दो लाइन हो जाए, जो कि आप पिछले इंटरव्यू में बोले थे आशीष यादव का हिप्पी से हमको प्यार हो गया। ऐसे था गाना कि तोहर हिप्पी से बीपी हमर बहर हगे लईरे, तोहर हिप्पी से बीपी हमर बहर हगे लईरे, रे छौड़ा पहिले नजरिया में हमारा गहर गे लहरे, रे छौड़ा पहिले नजरिया में हमारा गहर गे लहरे। इतना वायरल हो गए हैं, आपके फैमिली वाले क्या बोलते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं? कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि कुछ गलत कर बैठी हो तुम? नहीं, कुछ नहीं बोलता है, हमको फैमिली तरफ से फुल सपोर्ट है। तो पटना में रह रहे हैं और स्लैन में आए हैं, क्योंकि जिस जो इंसान को फैमिली तरफ से सपोर्ट नहीं है वो इंसान कब, मतलब जो होता है। शिल्पी यादव आशीष यादव से शादी करना चाहती थी पहले, और अभी में क्या इम्प्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है आपके सिंगिंग क्षेत्र में? सिंगिंग क्षेत्र में ठीक ठाक चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ये है कि हम रेगुलर गाना वाना नहीं गा पाते हैं। अच्छा, पहले जितना व्यू ज्यादा था कुछ इम्प्रूव हुआ है अभी? क्या इंस्टाग्राम में आपका जो है काफी फॉलोवर बढ़ते जा रहा है, और आपका जो है स्टोरी कई लोग लगाते हैं स्टोरी। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या लगता है आपका फेस, आपका फोटो स्टोरी बहुत सारे लोग लगाते हैं, कैसा लगता है? हाँ, ये बात है कि मतलब कोई भी देखता है तो मतलब पहचान जल्दी पहचान जाता है कि इनको तो देखे हैं, सोशल मीडिया पे देखे हैं, लड़की को देखे हैं, ये बात है। जब वायरल होने के बाद आप कभी मार्केट जाते होंगे तो अगल बगल वाले जब आपको देखते होंगे, पहचानते हैं, क्या बोलते हैं? तो मतलब अपने मन में सब सोचता है, बात विचार कर लेता है कि लड़की को जानते हैं, और कैसे लोग टोकेगा, कैसे कोई जानबे नहीं, मतलब कोई लड़की को नहीं टोकना चाहिए। आप आशीष यादव से शादी करना चाहते थे, आप उस पर वायरल भी हो गए, कभी गाँव गए हैं? गांव नहीं, नहीं गए। जब से वायरल है तब से गांव नहीं गए। क्या लगता है पहले कैसे, किस नजर से गांव वाले देखते थे, ताना उना मारते होंगे, अब क्या बोलेंगे? हम तो ये पता नहीं, अब गांव जाने के बाद पता चलेगा। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि अगर आशीष यादव शादीशुदा है, अगर वो नहीं रखेंगे तो हम रेडी हैं, क्या कहना चाहिएगा वैसे फैंस को? अब क्या बोलना चाहेंगे, बहुत सारा हम देखे थे, एक मतलब इंटरव्यू में बोला था कि आशीष यादव शादी नहीं करेगा ना तो हम शादी करेंगे, ऐसे मतलब बहुत सुंदर का। आशीष यादव शादीशुदा हैं, उनके भाई कुंवारे हैं, क्या वो पसंद है आपको? देखिए, ऐसा पता नहीं है कि सब पसंद है, मैं ऐसे कहे बोलेंगे खराब है, वो भी पसंद है, और ये बात नहीं कि शादी करेंगे। मतलब अगर आशीष यादव नहीं मिले तो उनका भाई से आप शादी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शादी मतलब आपका प्यार जो है सो आशीष यादव से ही है। बताइएगा, जब आशीष यादव आपसे अभी शादी नहीं कर रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आगे लाइफ के बारे में क्या सोचा है? लाइफ के बारे में क्या सोचे, सिंगिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मतलब करेंगे कि ताकि आशीष यादव जी से मतलब गायकी हमको अच्छा बने, उनसे भी बड़ा बन के दिखाए, ये मतलब हो ना हो आप इतना मेहनत करिएगा। हाँ, कि कल होके आपका और आशीष यादव का ड्यूट सॉन्ग आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। कैसा